वेलकम टू माय चैनल। आज मैं रिव्यू करने जा रही गुड वाइब्स के प्रोडक्ट का, जो मैं काफी टाइम से यूज कर रही थी और उनका मुझे ऑनेस्ट रिव्यू देना था, इसलिए मैं इसको 3 या 4 महीने पहले से यूज कर रही हूँ। और तो मैं आज आपको अच्छे से एक ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहती हूँ अपना। तो गाइस, सबसे पहले हम ये प्रोडक्ट का रिव्यू करने जा रहे हैं, जो है रोज सिर्फ फेस स्क्रब। ये फेस स्क्रब भी मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ। इसका प्रोडक्ट इतना मैं यूज कर चुकी हूँ पहले। ये 50 ग्राम आता है इसमें और इसकी प्राइस है 195। ये मैंने खुद यूज किया, उसके बाद में मैं इसका आपको ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ कि ये मैंने जब इसको अप्लाई करना शुरू किया और तब से लेके अभी तक मुझे इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ। और ये इसका फॉर्मूला बहुत ही, मैं आपको दिखा सकती हूँ कि ये इस टाइप की कंसिस्टेंसी में है और ये इसको हम इजिली अप्लाई कर सकते हैं हमारे स्किन पे। और फ्रेग्रेंस भी इसकी बहुत अच्छी है और इजीली अप्लाई हो जाता है फेस पे। और ये हमारे ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स को इजीली रिमूव करता है, हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास है पपाया फेस मास्क, जो कि 50 ग्राम का प्रोडक्ट ये इसमें आता है और इसकी प्राइस है 235। और ये इस कंसिस्टेंसी में थोड़ा थिक है, येलो शेड में है और इसका भी एप्लीकेशन बहुत ही स्मूथ है। इसको मैंने यूज किया तो ये भी मुझे इसमें भी कुछ मतलब इचिंग या ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बहुत ही अच्छे से इसको अप्लाई कर लिया मैंने और मुझे इसका कोई साइड इफेक्ट लगा नहीं है। और आप भी इजीली इसको यूज कर सकते हैं। मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है तो मुझे कभी भी जब से यूज कर रही हूँ आज तक कभी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। ये भी पैराबेन फ्री है, इसमें कोई भी हार्श केमिकल नहीं है, तो आपकी स्किन को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करेगा। और सबसे पहले आपको एक फेस टेस्ट कर लेना चाहिए, या तो आप यहाँ कर सकते हैं कान के पीछे या फिर हमारे हाथ पे, जहाँ भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। तो इसका भी मेरा रिव्यू जो ऑनेस्ट रिव्यू है वो बिल्कुल इसका पॉजिटिव है, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी इसने कुछ भी हार्मफुल हुआ नहीं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास है नेक्स्ट प्रोडक्ट सेफ्रन नरिशिंग डे क्रीम। ये भी 50 ग्राम इसका प्रोडक्ट आता है, 260 इसका प्राइस है। हम इसको डे और नाइट दोनों टाइम यूज कर सकते हैं, मैंने इसको डे नाइट दोनों टाइम यूज किया है। इसका एप्लीकेशन कुछ इस टाइप का है, व्हाइट कलर की क्रीम आती है इसमें और इसका एप्लीकेशन फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा स्मूथ है। और ये फेस पे बिल्कुल लाइट वेट है, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा थिक टाइप का या कुछ भी, बहुत आपने कुछ हैवी अप्लाई किया, इजीली ब्लेंड हो जाता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखती है और क्विक इसका ग्लोइंग इफेक्ट भी है। तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी है, आप भी चाहो तो इसको परचेस कर सकते हो। और इसका कोई साइड इफेक्ट, अगेन इसका कोई साइड इफेक्ट मेरे ऊपर नहीं हुआ है, तो मुझे ये बहुत पसंद आई है, आप भी इसको ले सकते हो। तो गुड वाइब्स के जो इतने प्रोडक्ट का मैंने अभी तक रिव्यू किया है वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया और मुझे इसका कोई भी हार्श या फिर कुछ भी हार्मफुल नहीं हुआ, इजीली मेरे को यूज करने में बहुत अच्छे लगे। तो अब बारी आती है ऑरेंज फेस जेल की। ये 100 ग्राम इसमें प्रोडक्ट आता है, तो 235 इसका प्राइस है। इसका एप्लीकेशन फॉर्मूला भी मैं कुछ बता दूं आपको, येलो शेड में है, कैमरे की लाइट में आपको आई थिंक इतना अच्छा दिख नहीं रहा होगा। इसका भी एप्लीकेशन फॉर्मूला बिल्कुल जेल वाला है। ये मुझे अच्छी लगी है, बट इसका थोड़ा सा मैं साइड इफेक्ट आपको बता सकती हूँ, शायद मेरी स्किन पे ये नहीं सूट किया हो या हर किसी की स्किन एक जैसी नहीं होती, पर गाइस ये मुझे थोड़ा सा फेस पे इचिंग हुई है इसको लगाने। जब जब मैं इसको अप्लाई करती थी तो इसको मैंने बहुत ज्यादा यूज नहीं किया, पर फिर भी मैंने इसको काफी टाइम तक यूज किया, मुझे लगा कि एक दो बार ऐसा हो रहा है उसके बाद में ठीक हो जाएगा, पर नहीं हुआ। मैं जब जब इसको अप्लाई करती थोड़ी मेरे फेस पे इचिंग होती है, शायद मेरी स्किन को सूट नहीं कर रहा, तो इसलिए ये मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा बाकी सारे प्रोडक्ट की कंपैरिजन में। इसका थोड़ा मैं इसकी रेटिंग दूंगी 7/10। तो आप इसको ले सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो, लेकिन पैच टेस्ट हमेशा हर प्रोडक्ट का कीजिए। और अब बारी आती है मेरा मोस्ट 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 फेवरेट है ये सीरम, ये विटामिन सी एंड बी 3 सीरम है।
इसको मैंने बहुत सारा यूज कर लिया है, आई थिंक थोड़ा सा बस थोड़ी क्वांटिटी इसकी बची है, और ये मेरी फर्स्ट बॉटल नहीं है, ये मैं आई थिंक 3 या 4 बॉटल इसकी फिनिश कर चुकी है सीरम। इसका एप्लीकेशन फॉर्मूला बहुत ही अच्छा है और ये मेरी ऑलमोस्ट फिनिश होने आई है बॉटल, और इसका एप्लीकेशन फॉर्मूला एक्चुअली ये फिनिश होने आया है तो मुझे ज्यादा मैं अच्छे से बता नहीं पाऊंगी। बहुत थिक नहीं है, जैसे रोज हिप सीरम है वो थोड़ा थिक उसकी कंसिस्टेंसी होती है, इसका थिक नहीं है और ये इतना इजीली ब्लेंड हो जाता है स्किन पे। तो ये हमारी स्किन को, स्किन की पिगमेंटेशन को लाइट करता है और स्किन को, स्किन की मतलब क्वालिटी को इम्प्रूव करता है आपकी। गाइज मेरी यही सजेशन रहेगी कि आप कुछ लो या ना लो गुड वाइब्स के प्रोडक्ट को, पर इसे जरूर परचेज करना, ये या फिर कोई भी सीरम आपको जो अच्छा लगे। ये हमें इतना ग्लोइंग इफेक्ट देता है, अगर आपकी स्किन पे से ग्लो चला गया हो या फिर पिगमेंटेशन हो गई हो तो इसके 2 या 3 ड्रॉप्स आप मॉर्निंग में इसको अप्लाई कर सकते हैं और नाइट में, और आप खुद रिजल्ट देखेंगे। आप इसको यूज कीजिए 1 महीने 2 महीने, आप इसकी सबसे छोटी बोतल यही है, आप इसको लीजिए और इसको यूज कीजिए। यूज करने के बाद आपको इफेक्ट आपको खुद मिलेगा, रिजल्ट आपको खुद पता लगेगा, मुझे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। और ये मैंने खुद इसको फील किया है, मैंने इसको काफी टाइम से मैं इसे यूज कर रही हूँ, शायद मुझे 2 या 3 साल हो गए, तो बहुत ही अच्छा इसका इफेक्ट है। मुझे तो गुड वाइब्स के सारे प्रोडक्ट अच्छे ही हैं, लेकिन ये इसका एक अलग ही कुछ मतलब ऐसा है कि कनेक्शन है मेरा कि हाँ सीरम तो गुड वाइब्स के बेस्ट है। जो लेना चाहे आपके ऊपर, आपका आप पे डिपेंड करता है, मुझे ये ज्यादा अच्छा लगा तो मेरे पास अभी ये, और मुझे बहुत पसंद आया तो आप भी इसको परचेस कर सकते हैं goodvibespurple.com से। goodvibes के सारे प्रोडक्ट उस पर आपको मिल जाएंगे purple.com पे। तो सबसे लास्ट हमारे पास है सबसे क्यूट और छोटी पैकेजिंग में मिला है हमें गुड वाइब्स का प्लम्पिंग लिप बाम। ये बीटरूट का है तो इसीलिए इसका कलर भी थोड़ा बीटरूट टाइप का है। गाइज ये मुझे इतना पसंद आया कि हर टाइम ये मेरे, ये हमेशा मेरे साथ ही रहता है। इसका एप्लीकेशन फॉर्मूला आप इतना अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ये बहुत ही स्मूथ है और बहुत ही शाइनी इसका इफेक्ट रहता है। आप दिन रात जब आप इसको लगाना चाहे आप लगा सकते हैं। एकदम छोटू सी ऐसी डिब्बी है, आप पॉकेट फ्रेंडली कहीं भी आप लेके आप इसे जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, इसको लेके अपने बैग में रख सकते हैं, छोटी सी किट है आपके पास में तो आप उसमें भी रख सकते हैं इसको। इसका एक रेड आप देख पा रहे हो तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये पिंक शेड में आती है, आप इसको लिप पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं और स्क्रब करने के बाद ये आप ऐसे, और ये इसमें ये हमारी पिगमेंटेशन को रिमूव करता है। अगर आपको इसको लॉन्ग थोड़े टाइम तक आप इसको यूज कीजिए तो आपकी लिप्स पे आई हुई पिगमेंटेशन को ये हटा देगा। तो ये भी मुझे बहुत पसंद। तो गाइज ये थे हमारे इतने प्रोडक्ट, अभी मेरे पास और भी हैं लेकिन ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने अभी सोचा कि ये 6 प्रोडक्ट है इनका हम रिव्यू कर दें। तो मुझे ये सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे, पर मैंने आपको जो जेल का बताया था पपाया जेल और सॉरी ऑरेंज जेल, तो वो मुझे थोड़ा सा मेरे फेस पे हार्मफुल हुआ, तो नेगेटिव इफेक्ट सिर्फ मेरे ऊपर है। आपका पर्सनल आप एक बार उसको यूज कीजिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ आपको भी कहीं हार्स की थोड़ी थोड़ी मतलब इचिंग या इस टाइप से हो रहा है तो आप भी थोड़ा ध्यान रख के इसको यूज करना। बाकी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मुझे कहीं भी ब्रेकआउट नहीं हुए, कुछ भी नहीं, सिर्फ थोड़ी सी इचिंग हुई है शायद, मेरी स्किन बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव है तो इस वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि आप गुड वाइब्स के प्रोडक्ट यूज कीजिए, मुझे बहुत पसंद है और ये बिल्कुल पैराबेन फ्री होते हैं और इसमें कोई भी केमिकल्स नहीं होते, तो ये हमारे स्किन के लिए आप समझ सकते हो कितना हेल्पफुल रहेगा और अच्छा है कि हम कोई भी केमिकल हमारे फेस पे डायरेक्ट अप्लाई नहीं करें। तो ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू था, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।